नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। अखिल भारतीय या खत्री युवा महासभा के पंजाबी महामुख में आज पंजाबी समाज के 1000 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा लगा है। दिल्ली के करोल बाग में स्थित गोल्डन मोमेंट बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 12 राज्यों से आए लोगों ने हिस्सा लिया है। बता दें, कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने पंजाबी समाज को देश भर में राजनीतिक भागीदारी और समुचित हिस्सेदारी दिए जाने की मांग की है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य वक्ता अरविंद अरोड़ा ने कहा कि पंजाबी समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात में हर राज्य में राजनीतिक भागीदारी और पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो भी पार्टी पंजाबी समाज के उचित भागीदारी देगी, समाज का समर्थन भी उसे ही मिलेगा। अरविंद अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली में पंजाबियों की संख्या 35-40% है। इस आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाबी समाज से होना ही चाहिए। उन्होंने 2021 में हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और सरकार से मांग की है कि पंजाबी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में विभाजन विभिषिका की यादगार के तौर पर एक स्मृति भवन बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा के संरक्षक चिरंजीवी मल्होत्रा ने कहा कि हमें समाज की आवाज सरकार तक पहुंचानी है और यह मकसद तभी कामयाब होगा जब आप सबका साथ हमें मिले। संस्था के महामंत्री वीरेंद्र खन्ना और संस्था के मीडिया प्रभारी सुरेश मनचंद्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सुरेश मनचंद्रा ने कहा कि हमारी संस्था आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर सुनिश्चित है और हम अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश मंत्री हरीश खुराना, करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधेय विशेष रवि, समाज सेवी अनूप खन्ना आदि दर्जनों की संख्या में इस महापंचायत में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। सर्वप्रथम मैं मीडिया के समस्त बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिसकी आवाज़ से सरकार तक एक संदेश पहुंचता है, वो आप सभी हैं। मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से एक हम संदेश देना चाहते हैं। जैसे सभी राजनीतिक दल हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मैं आग्रह करूंगा कि दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा और पंजाब, जिसमें हमारी संख्या 35% से ऊपर है, 35-40% है, तो जब हमारी 35-40% की आबादी है तो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो सबको पता है, हर राजनीतिक दल कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो हमारी क्यों नहीं है? तो मैं सर्वप्रथम ये मैसेज देना चाहता हूँ राजनीतिक दलों को, ये जो हजारों की संख्या में आज लोग थे, ये लोग नहीं थे, ये सभी हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के मेन बंधु थे। अगर हमारी बातों को जो तवज्जो देगी पार्टी, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। सर बिरादरी क्यों नहीं होगी? 9.5 लाख लोग हम इकट्ठे कर चुके हैं, 400 संस्थाओं का हमें समर्थन मिल चुका है, 2009 से हम कार्य कर रहे हैं, 9.5 लाख लोग हम जोड़ चुके हैं, क्यों नहीं होगा? हम तो परिवार जोड़ो यात्रा निकाली है, हम तो परिवार को जोड़ रहे हैं, परिवार को बड़ा कर रहे हैं हम लोग। संदेश युवाओं को यही है और हमारी 2-3 मांगे हैं। एक तो रिफ्यूजी और शरणार्थी कहने वालों पर जो SC ST एक्ट जिस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से हमारे लिए रिफ्यूजी और शरणार्थी कहने वालों पर कानून एक्ट बने। नंबर 2, राजनीतिक में हमारी हिस्सेदारी हो और दिल्ली में हमें CM चाहिए। 40% की आबादी है दिल्ली में, पंजाबी CM होगा, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। जो भी राजनीतिक पार्टी पंजाबी CM लेकर आएगी, हम उसका समर्थन पूर्ण रूप से करेंगे। देखिए, पंजाबी खत्री तो इस देश की जान है, नींव है। पंजाबी खत्री देश की नींव और जान है, इसके लिए संदेश क्या? पंजाबी खत्री इस देश की नींव है। आप 1947 के बाद से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए पंजाबी खत्री हुए थे, 1947 के बाद जो विभाजन के बाद जिस कंडीशन में पंजाबी खत्री आया था और आज की जो कंडीशन है, देश के बड़े बड़े व्यापारी
नेता समाज सेवी जब भी देश में विपदा आती है देखिए सबसे पहले पंजाबी समाज खड़ा होता है। और मेरा भी यही संदेश है कि जो हमारा पंजाबी समाज जिस प्रकार देश की सेवा करता है तो देश की आने वाली सरकारें देश की सरकार उनको पंजाबी समाज के हित को देखते हुए जो जो जरूरी काम है जो जो जरूरी कानून है वो बनाए। देखिए एकजुटता है तभी वो इकट्ठे हुए हैं, आप कहेंगे एकजुटता नहीं, एकजुटता है तभी वो पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हमने सिर्फ प्रांत प्रमुखों को प्रमुख प्रमुख टोली के लोगों को बुलाया था और आज के कार्यक्रम में 1700 लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए कार्यक्रम जब भी समाज में हमारे खत्री समाज में कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी कुछ भी आएगा तो पूरे कार्यक्रम तो होते रहेंगे, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से हमारे कई आयाम हैं बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए धर्मशालाएँ गौशालाएँ उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं एक प्रमुख संदेश आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहूँगा, जिस प्रकार कोई संशय नहीं है खत्री समाज देश की नींव है, पंजाबी समाज देश की नींव है, जिस प्रकार पंजाबियों ने इस देश की तरक्की के लिए देश के सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो मैं कहूँगा हमारे जितने भी खत्री भाई हैं पंजाबी भाई हैं गाय माता के लिए भी सोचें। जिस प्रकार गायों की दुर्दशा देश में हो रही है, जिस प्रकार से हम गाय माता प्रथम रोटी देने पे विश्वास रखते हैं हमारे हिंदू अनुसार, और जिस प्रकार गायों की दुर्दशा हो रही है गायें कूड़ा खा रही है करकट खा रही है इसे कोई सोच नहीं रहा, बड़ी बड़ी गौशालाएं तो बन गई चंदा लेने के लिए बनी, अगर ऐसी कोई कानून नहीं है आप देखिए गौशाला है गायें सब घूम रही है कोई उनको उठा नहीं चाहता। और दूसरा गाय और गंगा माँ हमारी जब मोक्ष की कामना की जाती है मरणोपरांत अस्थियाँ विसर्जन करें तो गंगा के लिए भी खत्री समाज पूरा समर्पित है। और क्या एक भारत सरकार से आग्रह करता है विनती करता है कि इन दोनों विषयों पे गंगा की गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गंगा माता में जो कूड़ा करकट गंदे नाले छोड़े गए हैं वो सब रोके जाए और हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर घोषित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से खत्री समाज अपील करता है हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर जल्द से जल्द घोषित किया जाए ताकि वो गंदे नाले या कूड़ा करकट पड़ा है वो हमारी गंगा में नहीं सारे खत्री समाज हिंदुओं की छाती पर त्रिशूल मारने के हिसाब से।